एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैं 9:30 बजे सो के उठी। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने जो घास है वो उधर से सामने वाली चोटी से, मैं बाहर जाकर दिखाऊंगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उस चोटी से ले आना है यहाँ तक मेरे घर तक। तो उसको ढोने के लिए, मतलब उसको ले आने के लिए हमने जो है, हमारे पास जो लेबर होती है, मतलब जो हमारे पास काम करते हैं, उन लोगों को बोला है। तो खाना वाना अरेंजमेंट सब कुछ करना है घर पे, मैं और दादी अकेले है। दादी खाना वाना बनाना है, मैं थोड़े से मतलब खुश नहीं रहते, उनको खाना बनाना पसंद नहीं है, तो खाना मैं ही बनाऊंगी सारा। मम्मी गए हैं मेरे घर के साथ ही, हमारी फैमिली की है, उनके घर में कथा है, तो उन लोगों ने काफ़ी लोगों को इन्वाइट किया है, तो मम्मी वहाँ पर उनकी हेल्प करने गए खुद थोड़ा खाना वाना में हेल्प करने के लिए। तो अभी मैं आई हूँ चावल लेने के लिए, क्योंकि चावल दाल और सब्जी बनाए गए हम इन लोगों के लिए। तो चलते हैं चावल लेकर। पहले भारी है तो गुड़िया जा रही है अभी स्कूल, क्योंकि गुड़िया को आज वैक्सीन लगेगी। पापा साथ ही आएगी वापस की, पैदल आएगी। यहाँ पे अभी दही लगाई है, मतलब इसका मक्खन बनाने के लिए। और ये देखो खलारा, ये देखो, ये देखो, मैंने सारा साफ किया था, झाड़ू पोछा मार के फ्री हुई थी, और सारथू आया, फूक मारा, और सारा जो भस्म है वो इधर उधर कर दिया, सारी राख इधर उधर कर दी। क्या ही बताऊं मैं अब साथु को, ऐसा शरारती बेटा है। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है? कौन आप? ये देखो, इसको ना करंटीन लगता है, जब लाइटर हाथ में मारते इसको करंटीन लगता है, मेरे को तो इतना डर लगता है रहा। ये देखो इश, ओए चिंगू, दर्द होता है बेटा, दर्द नहीं होता आपको? हाय रब्बा, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। नहीं लगता। ये देखो इसके उल्टे काम, अपने फेस पे मारता है, पैर पे मारता है। ये देखो इश, देखो देखो इसको नखरे, या डरता ही नहीं है। जा रहे हो आज मामा के पास? हाँ। कल तो मना कर रहे थे। मैं भी नहीं लगेगी। सारथू ने तो अब अपना मन बना दिया, मन बना दिया, मन बना दिया सारथू ने अपना जाने का। अब हाँ। चला जाएगा अब मम्मा के पास? कौन, नानू आ रहे लेने? नानू आ रहे लेने? हाँ। पैकिंग कर ली आपने? कपड़े पैक कर दिए? 2-4-5 दिन में मेरे को लेने आना। हाँ? तो 5 दिन आना मेरे को लेने, फिर मेरे को कॉल करना ना, फिर मैं आ जाऊंगी, मैं और छोटे नानू आएंगे, ठीक है? कॉल करना ना मेरे को जब आना होगा। हाँ कॉल करना मेरे को, फिर बोलना कि मासी मैंने आना है, चीमू मासू, ठीक है? तो आ जाओगे? हाँ मैं आ जाऊंगी बेटा आपको लेने, कॉल करना आपने मेरे को, ठीक है? उसके बाद मैं चल जाऊंगा। चल जाओगे उसके बाद? हाँ। फिर कब आओगे? 5 दिन बाद। 5 दिन में लेने आना मेरे को। ओके। टाइट हगी, टाइट हगी, टाइटली, टाइट टाइट ना किसी। मिस करोगे मासी को? है? मासी को मिस करेगा? हाँ। कितना? बहुत बहुत मिस करेगी। कर दूंगा आपकी पैकिंग, ठीक है? मैं कर दूंगा पैकिंग आपकी, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, तब तो कर लो। ओके। मासी आवाज नहीं मान रहे। आवाज सुन यार, सारी बातें क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है साथ में? ये गद्दा पता है किसने लाया है? सारथू ने लाया, ठीक है? सारथू का गद्दा है ये। उठ रहे हैं सारथू का, योगा बेटा, उठ रहे हैं से। नहीं मैं नहीं, लात मार के उठाओ उसे। उठ रहे हैं नूर अफ्ते ही। सर चुप, उठ जल्दी उठ, धूप लग। देखो चिंगू मासी रोटी बना रही है। हां चिंगू मासी गाइस,
गाइस मेरा बेटा हाँ। मासी ये रोज व्लॉग्स देखते हो वीडियो की क्या बनोगे पुलिस मासी तो व्लॉगर बन गई मासी के व्लॉग्स देखने में मजा आता है आपका फेवरेट व्लॉग कौन सा वाला है फेवरेट व्लॉग कौन सा है फेवरेट व्लॉग है नहीं मत कर बेटा मत कर हम लोग जो है कथा में चले गए थे वहाँ पे मैंने भी वहीं पे जाकर खाना खाया और मम्मी पापा हम सब लोग वहीं गए थे बस दादी घर पे थे क्योंकि दादी ने जो है बाकियों को भी खाना खिलाना था जो हमारे पास काम करने आए थे आज तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी को आईब्रोज निकलवानी क्योंकि कल जाना है मम्मी ने मैरिज में तो मम्मी ने थोड़ा सा सज धज के जाना है ऑब्वियसली तो अभी हम जा रहे हैं यही लोकल मार्केट दी के पास दी का खुद का सैलून है ताऊ जी की बेटी का तो उनके पास ही आईब्रोज निकलवानी देखते मैं भी निकाल ही लूँगी बट कुछ दिन पहले मैंने अभी खुद ही निकाली थी बाकी लगे हाथ निकाल ही दूँगी तो चलो चलते हैं अभी फ़िलहाल बड़े मम्मी बड़े बाबा फिर से आए हैं आज वहीं कथा के लिए आए थे और इनके सामने कार लगी है वहाँ पे और ये जो आप मार्केट देख रहे हो ना ये काफ़ी बड़ी भी नहीं है और काफ़ी छोटी भी नहीं है मतलब ये मेरी लोकल मार्केट है जहाँ से हम खाना वाना अपने लिए राशन वाशन सब कुछ यहीं से ही लेकर जाते हैं ये मेरे गांव की बाज़ार है और हम थोड़ा सा अभी और नीचे को जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा काम था कुछ सामान लेने जाना था तो ये भी आपको जो सामने दिख रहा है ढाबे वगैरह ये भी जो है मेरे गाँव के ही मार्केट के है सारे ये देखो ये आदू ने अभी बर्गर बनाया है होममेड और बहुत ज्यादा टेस्टी है मम्मी बर्गर खाना नहीं होगा ब्रेड नहीं है ब्रेड नहीं है बन तो है अंदर है खत्म ही है साथी चला गया था अपनी मम्मा के पास बट साथी को इतनी याद आई मासू की ओए मंकी साथी को इतनी याद आई मासा की कि अच्छी मामाशी के पास आ गया अब आप इधर क्या कर रहे हो ये लो इतनी बड़ी और क्या ये वाली तब मेरे को बिना फ्रूट की मैगी चाहिए ये बेटा बिना फ्रूट की मैगी है ये मैं दूंगा ये नहीं दे रही थी ना आपको नहीं वो छोटे पैकेट है ये बड़े बड़े हैं सार्थक समझा करो चलो जी तो आज का व्लॉग इतना ही था आई नो कि मेरे व्लॉग्स आजकल बहुत छोटे छोटे हैं इसका रीज़न ये है कि आजकल घर पे थोड़ा सा काम होता है फिर खाना वाना मुझे ज़्यादा बनाने को होता है साफ सफाई वगैरह तो फिर वो सेम चीज़ें मैं डेली रिपीट नहीं कर सकती थोड़ा सा व्लॉग बोरिंग हो जाता है कुछ व्लॉग में मैंने रिपीट करा है जिस वजह से मेरे खुद अच्छा नहीं लग रहा था मतलब रिपीटेड हो रही थी चीज़ें वापस तो उस वजह से व्लॉग्स थोड़े से छोटे थे तो आप लोग होप मैनेज कर रहे होंगे बाकी अब मैं कोशिश करूँगी यही व्लॉग छोटा था जो आज का व्लॉग छोटा था अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स जो है 15 मिनट के बना ही लूँ मतलब ठीक है तो मम्मी पापा चले गए हैं मैरिज में आदू भी गया है मैरिज में तो घर पे है मैं दादी और गुड़िया और सार्थक तो आज का व्लॉग इतना ही था होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल